बच्चे बूढ़े और जवान सबके लिए रेक्स का रेक्सोटोन है शक्ति का वरदान। खून बनाता, कमजोरी को दूर भगाता, कुदरती जड़ी बूटियों और फलों से बना रेक्स का रेक्सोटोन। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने शनिवार को पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में एक रैली को संबोधित किया। इस रैली में उन्होंने तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने राज्य के लोगों से तृणमूल कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया। अमित शाह के इस भाषण के बाद टीएमसी सांसद डेरेक ओ ब्राम ने आपत्ति जताई और उन्होंने अमित शाह से माफी मांगने की मांग की। अमित शाह ने रैली को संबोधित करते हुए कहा, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अगुवाई वाली राज्य सरकार ने बंगाल को बर्बाद कर दिया। यदि बंगाल विकास की दिशा में काम करना चाहता है तो कांग्रेस के साथ तृणमूल का गठबंधन काम नहीं कर सकता। उन्होंने कहा, केवल नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी बंगाल में विकास कार्य के कामों को कर सकती है। शाह ने आगे कहा, दुर्गा पूजा के दौरान दुर्गा प्रतिमा का विसर्जन बंद कर दिया गया, स्कूलों में सरस्वती पूजा रोक दी गई। अगर बीजेपी की सरकार आई तो हर हाल में इन्हें किया जाएगा। अगर अगली बार दुर्गा पूजा रोकी गई तो बीजेपी के कार्यकर्ता ममता बनर्जी के सचिवालय की ईंट से ईंट बजा देंगे। अमित शाह के इस भाषण बाद टीएमसी सांसद डेरेक ओ ब्राम ने आपत्ति जताई। समाचार एजेंसी एनआई के मुताबिक डेरेक ने कहा, अमित शाह की मीटिंग एक फ्लॉप शो था। उन्होंने आज बंगाल का अपमान किया है। वो बंगाल के संस्कृति को नहीं समझते हैं और उन्होंने अपने झूठों से इसका अपमान भी किया है। अगर वो अगले 72 घंटे के अंदर माफी नहीं मांगेंगे तब हम उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक टीएमसी सांसद ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि उनकी पार्टी शाह की किस टिप्पणी को लेकर माफी मांगने की बात कर रहे हैं। डेरेक ओ ब्राम ने कहा, कौन है अमित शाह? वे ममता बनर्जी के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर बच नहीं सकते। उन्होंने बंगाल की संस्कृति का अपमान करके सभ्यता की सीमा लांघ ली है, उन्हें इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। बता दें कि पश्चिम बंगाल दौरे के दौरान अमित शाह को कोलकाता हवाई अड्डे से बाहर आने पर युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने काले झंडे भी दिखाए थे। मोटरसाइकिल सवार युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं के एक समूह ने अमित शाह के काफिले को नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से बाहर निकलते ही काले झंडे दिखाए और उनके व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरुद्ध नारे लगाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज मैक्स।